हेलो हेलो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। कैन समबडी टेल मी अदर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन? एनी एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन? खाना खाना। ओके, जैसे खाना खाना को अपन बोल सकते हैं कि मान लो अभी बढ़िया डोमिनोज के गार्लिक ब्रेड की खुशबू यहाँ पे आ रही है, तो आपके सबके ब्रेन में एक्सटर्नल स्टिमुलस से क्या रिस्पॉन्ड आएगा? आपके टेस्ट बड्स सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक। और किलो किलो पर सलाइवा आपके मुंह में आ जाएगी, हमको तो खाना है भाई, गार्लिक ब्रेड खाना है, ऐसा है ना। तो दैट इज कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है एक आउटर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। एंड स्टिमुलस कैन बी इंटरनल ऑल्सो। एक पॉइंट ऐड कर लेना इसको लिखने के बाद कि स्टिमुलस कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। स्टिमुलस कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बायो का पेपर हो गया आपका? जिसका हो गया, अच्छा गया, कितना आया बायो में? कितना आया? 6 out of 7? 6 out of 7, हाँ सही, हाँ रिजल्ट आ गया, कैसा था? ठीक है, नंबर कहाँ कटे? कुछ कटे? स्पेलिंग मिस्टेक, डायग्राम। चलिए हो गया। Now today we will talk about animal nervous system. Animal में humans भी आते हैं, ठीक। तो हमारा nervous system किस तरीके से act करता है, ये किसका diagram है? Neuron, सबको पता है, this is a diagram of a neuron and very important in this chapter. पूरा diagram बनाने भी आ सकता है और ऐसा diagram देके उसका labeling के function बनाने बोल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से diagram को देखेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या आता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट से अंदर के फिर क्या आता है? ऑरेंज पार्ट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ये ब्राउन कलर का क्या है? न्यूक्लियस। फिर ये क्या बना हुआ है? एक्सॉन। ये जो अंदर का वो दिख रही नर्व दिख रही है, वो क्या? अपनी एक्सॉन, ठीक है। और ये जो एंडिंग दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब ये काम कैसे करता है वो अपन देखते हैं, ठीक। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जो हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो कौन करता है? दो लोग करते हैं, एक नर्वस टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यू। क्योंकि अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम मैसेज भेजेगा, कंट्रोल कौन करेगा? मसल, हाथ पैर की मसल से रिएक्ट करेंगे। आप क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? लिखना अलाउड नहीं है, बाद में टाइम मिलेगा सबको लिखने के लिए, अभी सिर्फ ध्यान दो पढ़ाई में। एग्जाम्पल, टचिंग ऑफ अ हॉट पैन। क्या हॉट पैन को टच करने का क्या होता है देखते हैं उसमें? क्या कह रहे हो आप, बढ़िया गर्म लग रहा है करके, हाँ? नहीं, तुरंत क्या कर लेते हैं? पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी तुरंत क्या किया? नर्वस सिस्टम ने मैसेज भेजा कि दिस इज हॉट, फुट टेक ऑफ इट। अपन जल्द ही करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है नर्वस सिस्टम से मस्कुलर में मैसेज जाने के लिए। कभी तो जो हीट है, मतलब अपन तब तक जल चुके होते हैं, देखना कभी भाप से भी जल जाते हैं। मैगी बना रहे होगे तो ऐसे हटाएगे तो भाप गरम गरम हाथ में लग जाती, रेड हो जाता है वो एरिया पूरा। क्यों? हाँ, क्योंकि अपना ब्रेन को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है, मसल्स तक पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक। नाउ ये टचिंग जो है, इट नीड्स टू बी डिटेक्टेड एंड इट नीड्स टू बी रिस्पॉन्डेड। तो रिसेप्टर्स लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है? सेकंड होते हैं क्या? वही होते हैं ना, हाँ। आई नो हियर किंग। तो सेंस ऑर्गन क्या लोकेटेड होते हैं? रिसेप्टर्स इन स्टिमुलस को क्या करते हैं? देखो ध्यान से सुनो, नहीं तो पूरे कंफ्यूज हो गए। रिसेप्टर्स इन सिग्नल्स को क्या करते हैं, सॉरी स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस को कौन रिसीव करते हैं? कि पैन गरम, सबसे पहले किसने कैच किया? जो सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं वो कैच करते हैं, ठीक है।
इनर ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ठीक है। और अब ये रिसेप्टर्स के होते हैं, एक होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, एक होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं? टेस्ट। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं? स्मेल। दैट्स व्हाई यू नो कि अच्छी खुशबू आ रही है और कब बदबू आ रही है, राइट? टेस्ट अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है। All information from environment is acquired at the end of dendritic tip of a nerve cell. Now, पूरी information कहाँ होती है? सबसे acquired होती है dendrite में। यहाँ से कहाँ आती है? सीधा dendrite में। फिर at the end of dendritic tip of a nerve cell by special tips of a nerve cell. This sets off a chemical reaction. जैसे ही receive करता है dendrite, nerve cell का dendrite, तो क्या set off होता है? Chemical कट ऑफ होता है और वो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करता है। अब क्या ज्यादा तेज होता है? केमिकल रिएक्शन की इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी फास्ट, इसीलिए जो नर्व स्ट्रक्चर न्यूरॉन ब्रेन और बैकबोन में और सब जगह क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। तो जो ब्रेन यहां से मैसेज भेजता है वो फटाफट जहां पे एक्शन लेने की जरूरत है वहां के न्यूरॉन को बताना जरूरी है, वहां के मसल टिश्यू तक मैसेज पहुंचाना जरूरी। तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? केमिकल इंपल्स की इलेक्ट्रिक इंपल्स? इलेक्ट्रिक इंपल्स यूज की जाती है, ठीक। दैट क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक इंपल्स। दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। ये जो इंपल्स है वो कहां ट्रेवल करती है? डेंड्राइट से ट्रेवल करती है किधर? सेल बॉडी में ट्रेवल करती है। फिर एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट एंड, फिर कहां ट्रैवल करती है बताओ? एक्सॉन ट्रैवल कर, पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन से कहां चली जाती है? नर्व एंडिंग। फिर यहां खुला नहीं, इसके जस्ट थोड़े से गैप एक और न्यूरॉन मौजूद है और पूरा मस्कुलर टिश्यू तक कहीं ना कहीं न्यूरॉन मौजूद रहता है। और जैसे यहां से इंफॉर्मेशन छोड़ी, दूसरे डेंड्राइट इंफॉर्मेशन तुरंत पकड़ लेते और ये चलती रहती तब तक जब तक एक्शन लेने वाले टिश्यू के पास मैसेज नहीं पहुंच जाता कि आपको किस तरीके का रिएक्शन लेना है, ठीक। दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। एट एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिक इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ केमिकल्स। जैसे ही दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाती है केमिकल रिलीज होता है। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप। गैप क्या होता है? साइनेप्स। व्हाट इज साइनेप्स? वेरी गुड। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। ये वन मार्कर आ सकता है। व्हाट इज साइनेप्स? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। फिर ये क्या करते हैं? ये जो केमिकल रिएक्शन है वो एक सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करता है इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट नर्व सेल, जो उस नर्व सेल के बगल में। सिमिलर साइनेप्सिस फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इंपल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स सच एज मसल सेल और अ ग्लैंड। जहां पे भी एक्शन की जरूरत है उस सेल तक ये मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक। नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड कंडक्ट्स इंफॉर्मेशन थ्रू वाया मतलब थ्रू electric impulses from one part of body to another part of the body. And why we are using electric impulses? क्योंकि message का जल्दी forward होना जरूरी है कि शेर आया, हम बैठे हैं, हमारा brain हमको message नहीं भेजा है कि हमको भागना है, वो आके खाके चला गया, we are dead. But हमारा brain अभी तक message transfer नहीं कर पाया क्योंकि वो chemical impulse use कर रहा था, नहीं तुरंत try react करना है because nerve cells use electric impulses. समझ में आया? Clear है? ठीक है।